नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे खजानों के बारे में जिन्हें आज तक जिसने भी खोजा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो आइए जानते इनके बारे में। किंग टट्स टॉम्ब। इसके श्राप से पूरी दुनिया घबराती है। जब साल 1922 में पहली बार इजिप्टोलॉजिस्ट ने तुतनखामन के मकबरे को खोजा तो दीवार पर बने शिलालेख का मतलब था कि जो भी इस मकबरे को छुएगा उसकी तरफ मौत तेजी से चली आएगी। लेकिन उस टीम ने इस पर ध्यान न देते हुए उस मकबरे से बेकार चीजों को हटा दिया। 6 वीक बाद उनमें से किसी एक की मौत हो गई और जल्दी टीम के रिश्तेदारों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। अब तक इसके श्राप से 11 लोगों की मौत हो गई। चाउंगा पास। साल 1964 में डिएगो मोरेनो नाम के एक व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ यहाँ पहाड़ों पर खजाना ढूंढ लिया। जब वो उस खजाने को ले जा रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई और दूसरे ने उन्हें धोखा देना चाहा, इसलिए उन्होंने खजाने का बंटवारा करके उसे पहाड़ों में छुपा दिया। लेकिन जब उन्हें खजाने के चोरी हो जाने के बारे में पता चला तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और लड़ाई में 2 लोगों की मौत हो गई। जब मोरेनो अपने हिस्से के खजाने को बेचने ले जा रहा था तो रात में उसे एक भयानक सपना आया जिसमें वो खजाने के साथ मर गया था। इसीलिए उसने खजाने को एक बड़े पेड़ के नीचे दबा दिया। उसके बाद मोरेनो पूरी जिंदगी बीमार रहा। जब वो मरने वाला था तो उसने अपने आखिरी शब्दों में उस खजाने की जगह के बारे में अपने दोस्त को बताया ताकि वो उसे निकाल ले। जब उसका दोस्त अपने बेटे के साथ वहाँ जाता है तो एक की मौत हो जाती है और दूसरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आज भी वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। डॉलर्स। साल 2011 में एक व्यक्ति को अपने बगीचे में 1.5 लाख डॉलर मिले तो उसने पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन उसके 85 साल के पड़ोसी का दावा था कि ये पैसे श्रापित होने की वजह से उसने इसे यहाँ गाड़ दिया था, जिसके बाद कोर्ट उसकी बात को मानकर वो पैसे उसे दे देती है। लेकिन वो पैसे मिलने के बाद उसकी मौत हो जाती है और करीब 10 दिन बाद उसकी बेटी बीमारी की वजह से गुजर जाती है। दोस्तों, क्या आप इन श्रापित चीजों को ढूंढना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।